भगतपुर थाना क्षेत्र में झुलसी विवाहिता की उपचार के दौरान मौत हो गई है, जिसके शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। गांव चांदपुर निवासी शमशाद पुत्र जाहिद की शादी 4 वर्ष पूर्व मिस्कीन जहां से हुई थी। मिस्कीन के परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही वर पक्ष के लोग दहेज कम लाने का ताना देकर उसे बुरी तरह से प्रताड़ित करते थे। इस दौरान उसने 2 बच्चों को भी जन्म दिया था, लेकिन दहेज लोभी ससुरालियों ने उसे सताना नहीं छोड़ा। मिस्कीन के परिजन उस वक्त सन रह गए जब 18 मार्च की शाम उन्हें किसी रिश्तेदार से सूचना मिली कि मिस्कीन बुरी तरह से झुलस गई है और जिला अस्पताल में भर्ती उसे करवाया गया है। मिस्कीन के परिजन फौरन ही जिला अस्पताल पहुंचे और ससुरालियों के द्वारा दहेज लिए जाने की तहरीर देकर उसे बेहतर उपचार के लिए दिल्ली ले जाया गया, लेकिन कोई फर्क ना होता देख उसे दोबारा जिला अस्पताल मुरादाबाद ले जाया गया, जहां 26 मार्च की रात उसने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि दहेज लोभी पति शमशाद, ससुर जाहिद, सास बानो, भाई नौशाद, बहन रानी, बहनोई मुनाफ व उसकी पत्नी जमीला ने उसे चलाया है, जिसके लिए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। मामले की जानकारी देते हुए मिस्कीन के चाचा ने सिटी न्यूज संवाददाता को बताया। संघात के साथ क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद ये हुआ, हमने बुलाने गए तो उन्हें भेजा नहीं, तो हमने कहा ठीक है मत भेजो, आप अपने घर रहो, खुश रहो। कितना टाइम हो गया शादी को? शादी को अप्रैल में 4 साल हो जाएगा। क्या हुआ अब इसमें, क्या किया उन्होंने लड़की के साथ? अब इन्होंने लड़की ने मतलब दहेज की वजह से इन्होंने मतलब ये है लड़की को जला दिया। कब जलाया है? 18 मार्च को। उसके बाद क्या हुआ, 18 मार्च को मतलब जलाने के बाद इन लोगों सबने परिवार ने वो कमरे बंद करके चले गए लोग। इन्होंने जब गाँव वालों को पता लगा ना साहब ऐसा समा हो गया, धुआं उठा, तो ये लोग मतलब ये है रात को 9:30 बजे यहाँ लेकर आए, हमें पता लगा तो हम लोग भी आए। हम लोग आए तो हम लोगों ने भर्ती करवाई, भर्ती करवाने वाले हमने एसओ साहब को मतलब बताया ऐसा ऐसा स्थिति है। डेट साहब इनकी रात हुई 1 बजे करीब। किस कौन है आरोपी, किसको मानते हैं? आरोपी साहब ये 7 लोग हैं, एक शमशाद, एक इसका बाप जाहिद, एक इसका भाई नौशाद, एक इसकी बहन रानी, एक इसकी माँ बानो, एक इसका बहनोई मामा बाबा खेड़ागंज का मुनाफ, और एक इसकी बहन मामा खेड़ागंज वाली जमीला।